कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखे उसके उसके नाक से कितना लिक्विड बह रहा है, सर्दी वाला पूरा असर है भयानक। तो इधर भी बकरी को कुछ कुछ जो छोटे बच्चे जैसे ये सब हैं तो इनको देखे थोड़ा बहुत सर्दी, देखे सर्दी पूरा धर लिया है इसको। ये देखें अभी फार्म में आग जलाने का हमने जुगाड़ कर दिया है, देख सकते हैं लकड़ी उकड़ी रख दिया है, अब इसको आग जला देंगे ताकि फार्म का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। दोस्तों आप भी कम से कम ये चीज जरूर करें दोस्तों, ठंड के दिनों में आपके पास अगर लकड़ी का सुविधा है तो आग फार्म में जरूर लगाएं दोस्तों, ताकि बकरी को आराम से गर्माहट बना रहे, सारी बकरी स्वस्थ और हेल्दी रहे, सर्दी खांसी ना लगे। हो सकते हैं 3-4 मुर्गी इन लोग खाया होगा, जिस हिसाब से इनका पेट भरा हुआ है ये देखें। और मान के चले ना 400 ग्राम का एक मुर्गा है तो लगभग 3-4 भी मारा होगा ना तो 100-100 रुपये का एक बच्चा भी मान के चले तो 400-500 रुपये का नुकसान इन लोग कर दिया है। देखें ये कैसे पकड़ रहा है, देखें और छोड़ता नहीं है, देखें कितना भयानक तरीके से धर रहा है। देखें भाई सिर्फ 50 दिन के बच्चे हैं और इतना खतरनाक है, तैयार होंगे ना मेरे को लग रहा है। देखें तो इसका इंजेक्शन अभी दिए हैं दोस्तों, देखें अभी सिरिंच उरिंच में अभी देखें इंजेक्शन हमने लोड करके रखा था, 4 इंजेक्शन इसको पड़ गया है और आज ये लास्ट ट्रीटमेंट है दोस्तों इसका। और देखें अभी खाएगी थोड़ा थोड़ा ये करके, ये देखें आराम से धीरे धीरे खा लेगी, बस अच्छे से खाना स्टार्ट कर जाए थोड़ा सा रिकवर हो जाए। दोस्तों सुबह हो चुका है और लाली का सबसे पहला काम है दोस्तों, आज थोड़ा लेट उठे हैं तो इसका इंजेक्शन अभी दिए हैं दोस्तों, देखें अभी सिरिंच उरिंच में अभी देखें इंजेक्शन हमने लोड करके रखा था, 4 इंजेक्शन इसको पड़ गया है और आज ये लास्ट ट्रीटमेंट है दोस्तों इसका। और 3 दिन इसका कंप्लीट हो चुका है, 3 दिन इसको इंजेक्शन चला है, पहले से ठीक है दोस्तों, लेकिन खाना पीना वही नहीं खा रही, कभी खाती है कभी नहीं खाती है, कभी पतला दस्त होता है, कभी वोमिटिंग भी कर देती है, कभी नहीं भी करती है, ऐसा मतलब सिचुएशन चल रहा है, मज नहीं आ रहा है दोस्तों। और फिलहाल अभी तो ठीक है, हेल्दी, ऐसा नहीं है कि वीक हो गई है, अभी हेल्दी है दोस्तों, ठीक है। तो अभी देखें अभी नदी साइड ले जा रही है, थोड़ा बहुत टहलेगी, पहले से ठीक है दोस्तों। देखें मतलब खास खाना जो नहीं खा रही है ना वही बस टेंशन होकर रखा है, नहीं तो और हेल्दी है, वैसा नहीं है कि वीक हो गई है, उठ उठ नहीं पा रही है। ठीक है अभी नदी साइड चली गई, चल चल लाली आ। और दोस्तों फिलहाल में अभी मुर्गी साइड आ गए हैं, डॉग को हमने इंजेक्शन दे दिया है दवा और उसको बेड पे बांध दिए हैं, आधे घंटे बाद उसको एक और टैबलेट देना है दस्त उसके रोकने के लिए, तो वो भी दे देंगे उसको थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद। फिलहाल में मुर्गी सब ठीक है, इनका दाना और पानी दोनों चीज़ ख़त्म हो रखा है, दाना थोड़ा बहुत बच रहा है, इन पानी इनका ख़त्म हो चुका है तो पानी नया लगा देते हैं। और मौसम भी थोड़ा ठंडा कर रखा है दोस्तों, तो बकरी तो चांस नहीं है कि आज खुलेगी, देखते हैं अगर खुल पाई तो ठीक है, और नहीं तो दोस्तों इनको ला के अभी भूसा उसा इनको खाने के लिए दे देंगे, सानी उनी सान के इनको दे देंगे खाने के लिए। और बकरी भी अभी ठीक है, सब बैठी हुई है दोस्तों, इनको भी थोड़ा सर्दी खांसी हो गया दोस्तों, क्योंकि हम डॉग साइड थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे पा रहे हैं, इन लोग साइड नहीं ध्यान दे पा रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा इधर हो पा रहा है दोस्तों, इनको भी सर्दी खांसी थोड़ा सा हो गया है, हम ध्यान नहीं दे पाए दोस्तों कहाँ से। ओए ओए हट 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 हट, तो मुर्गी उधर से निकल जा रही है, ओए जाली गिर गया है। तो इधर भी बकरी को कुछ कुछ जो छोटे बच्चे जैसे ये सब हैं तो इनको देखो थोड़ा बहुत सर्दी खांसी स्टार्ट हो गया है, देखें ये देखें सर्दी पूरा धर लिया है इसको, ये देखें। और भी बच्चे हैं जैसे वो है उसको भी थोड़ा बहुत सर्दी उर्दी बह रहा है, एक दो बकरी और है उनको भी हो रहा है, तो ये तो रिकवर हो जाएंगे दोस्तों, एक दो दिन इनको गर्म गर्म दलिया देंगे ना पीने के लिए तो ये सब ठीक हो जाएंगे, लेकिन बस डॉग की वजह से थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पा रहे दोस्तों इनको टाइम से, ये दिक्कत चल रहा है, उधर आधा दिमाग दम हो रखा है दोस्तों टेंशन की वजह से, बस डॉग एक बार ठीक हो जाए ना फिर कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखें उसके उसके नाक से कितना लिक्विड बह रहा है, सर्दी वाला पूरा असर है भयानक। और ये जैसे वो बच्चा है बस छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना उनको सर्दी पकड़ा है, बड़ी बकरी है वो सबको उतना नहीं पकड़ा, वो ठीक है। और फिलहाल में टप धो के इनका दलिया चखा देते हैं पकने के लिए और इनको फिर दलिया दे देंगे, देखते हैं 12-1 बजे से अगर मौसम खुल जाएगा तो फिर बकरी सारी चराए पे निकाल देंगे, हम इनको दलिया दे देंगे दोपहर से पहले ये पी लें, फिर गाय को भी निकालना है दोस्तों बाहर, गाय भी अंदर ही है। तो दोस्तों मुर्गी को दाना पानी हमने दे दिया था, देख सकते हैं तो पानी भी लगा दिया और इनका दाना भी दे दिया और फार्म का पर्दा उर्दा भी हमने उठा दिया दोस्तों, धूप उग चुका है, टाइम की बात करें तो 10 बज गया है, 10:30 हो रहा है दोस्तों, बकरी अभी बैठी हुई है, कुछ थोड़ा लेट से ही खोलेंगे, 12 बजे के लमसम में खोलेंगे और देखते हैं अगर दलिया पिला दिए तो पिला उला के इनको खोलेंगे, नहीं तो फिर इनको चरा के लाएंगे तब खोलेंगे, अभी देखते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है दोस्तों। डॉग को थोड़ा सा वो दिए सेरेलैक दिए थे थोड़ा सा खाने के लिए तो थोड़ा बहुत खाया है दोस्तों सेरेलैक, और बकरी अभी थोड़ी बैठी हुई है और वोमिटिंग नहीं की है, वोमिटिंग का उसको दवा दिए थे तो वोमिटिंग थोड़ा सा दिए थे, बस इतना सेरेलैक उसको दिए थे खाने के लिए तो खाया है और अभी आराम से बैठा हुआ है। फिलहाल में अभी बकरी भी बैठी हुई है, अभी घर जाना है, घर से कुछ हमें तो सब आ जाते हैं करके। दोस्तों अभी सारी बकरी को निकाल दिए हैं दोस्तों चराई पे और अभी सबको लेके चल रहे हैं, आगे वाला जो बगीचा है उस साइड लेके चल रहे हैं इनको चराई पे, उधर से शाम के टाइम में इधर लेके आएंगे। और टाइम की बात करें तो 12:30 हो रहा है दोस्तों, 1 बजने वाला ही है और 1 बजे आज इनको निकाले हैं चराई पे, थोड़ा सा लेट हो गया दोस्तों, धूप भी नहीं उगा था अच्छे से, इस वजह से थोड़ा सा टाइम भी लग गया।
फिर ये भी ऊपर भाग गई थी, इस साइड जो बगान है पेड़ वाला उधर भाग गई थी। इनको उधर से निकाल के लेके आए हैं दोस्तों, और बाकी बकरी नदी साइड आपको दिख रहा होगा उस साइड, नदी साइड वाले झुंड में इनको भी मिला देते हैं दोस्तों, ताकि दोनों झुंड एक साथ रहे और एक साथ हैंडल करने में आसानी पड़ता है दोस्तों। नहीं तो अगर दो झुंड में बकरी बैठ जाती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है। सारी बकरी देखे नदी में इधर ही चल रही है सारी बकरी, तो इनको इधर ही जाने देते हैं एक आध घंटा, फिर इनको धीरे धीरे आगे उस साइड लेके जाएंगे। अभी दोस्तों ये फार्म पे आ गए हैं, और लाली को अभी शाम का जो सेरेलैक है, जो बच्चों को खाने का आता है दोस्तों सेरेलैक का डब्बा, वही इसको खिला रहे हैं दोस्तों तीन टाइम, सुबह और दोपहर, मतलब शाम के टाइम में और फिर रात के टाइम में थोड़ा थोड़ा, देखे इतना इतना बस इसको खाने दे रहे हैं दोस्तों, ताकि इसको डाइजेस्ट हो जाए अच्छे से। और देखे अभी खाएगी थोड़ा थोड़ा ये करके, ये देखें आराम से धीरे धीरे खा लेगी, बस अच्छे से खाना स्टार्ट कर जाए, थोड़ा सा रिकवर हो जाए, सारा टेंशन दूर हो जाएगा। अभी एक और कांड बताते हैं, जो जर्मन शेफर्ड का बच्चा है उसका भी कांड आपको दिखलाते हैं, को क्या किया है। हम जब फार्म से बाहर थे तीन चार घंटा, तो उसने कांड किया है भयानक। अभी लाली पूरा खाना खा चुकी है जो दिए थे सेरेलैक इसको खाने के लिए, देखे फिनिश कर दी है, आराम से अभी बैठने देते हैं। अभी चलते हैं दोस्तों फार्म के अंदर, फार्म की सफाई करनी है। बिजली नहीं है तो डॉग वाला, डॉग का जो बच्चा उसका कांड आपको दिखलाते हैं उसने क्या क्या किया है। बिजली नहीं है, फार्म अंधार है, तो इस वजह से रूम रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे हम। तो फार्म के अंदर आ गए थे और फार्म के हमने सफाई कर दी है, देख सकते हैं, बस उस साइड वाला एरिया साफ करना है, वो भी जल्दी से साफ कर देते हैं, फिर बकरी को अंदर करेंगे और दलिया देंगे पीने के लिए। दोस्तों फिलहाल अभी सारी बकरी को अंदर कर दी है और इनको अभी दलिया दे दिए हैं दोस्तों पीने के लिए, देख सकते हैं पूरा टब में ये लोग पी रहे हैं। अभी पुरानी बकरी भी उधर पी रही है दोस्तों, और फार्म में आग उग भी जलाना है, फार्म का पर्दा भी हमने नहीं गिराया तो पर्दा भी गिरा देते हैं, पहले बकरी को पीने देते हैं। दोस्तों मेरी बकरी का क्या आता था, ठंड हो चाहे बरसात हो, कोई मौसम हो, बकरी भरपूर मात्रा में पानी पीते हैं, देख सकते हैं ठंड का दिन है फिर भी बकरी पूरा टब खाली कर देगी पीकर, 25-30 लीटर, मतलब इस 20 बकरी पीती है, 25-30 लीटर उधर 20 बकरी पीती है, इतना टोटल इन लोग बकरी पानी पी जाती है। फिलहाल में भी फार्म में आग जलाने का हमने जुगाड़ कर दिया है, देख सकते हैं लकड़ी उकड़ी रख दिया है, अब इसको आग जला देंगे ताकि फार्म का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, क्योंकि थोड़ा बकरी को सर्दी उर्दी लग गया है, तो इस वजह से फार्म का गर्मी बना रहेगा, इससे आग यहाँ पे इसको जला देते हैं, बकरी हमारा पिटी चल स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों फार्म का जो बच्चा वाला कांड आपको हम बता रहे थे, देखें बच्चों ने क्या किया है, एक इधर है दो इधर है, देखें आपको लाइट जला, ये देखें दो इधर सोया पड़ा है, बस पेट इतना इनका भरा हुआ है ना मुर्गी खा के, देखें आपको दिखलाते हैं, अब देखें इनका पेट देखे लगभग दो तीन मुर्गी खा गया है दोस्तों, वो दो एक दो ये भी खाया होगा, एक दो ये खाया है, प्लस ये देखे जब हम फार्म के अंदर आए तो देख रहे हैं कि एक मुर्गी इधर बेड पे पड़ी हुई है और इन लोग एक मुर्गी को नोच नोच के खा रहा था, हमको नहीं पता था। एक बार और हम देखे थे फार्म के अंदर कि पंख उंग गिरा हुआ था, तो मेरे को उतना ध्यान नहीं था, लोग खा सकता है, और 50 दिन के बच्चे हैं दोस्तों, पर 50 दिन के जन्म से बढ़ के बच्चे हैं, शिकार करना स्टार्ट कर दिए हैं, हो सकते हैं 3-4 मुर्गी इन लोग खाया होगा, जिस हिसाब से इनका पेट भरा हुआ है ये देखें, कोहड़ा के तरह पेट भर गया है दोस्तों, मतलब भरपूर मात्रा, इनका इतना नहीं भरा हुआ था, सुबह में इनको खाना दिए थे फिर शाम में इनको खाना नहीं दिए थे, और जब हम फार्म के अंदर आए तो देख रहे हैं कांड करके बैठ गया, देखे मुर्गी को जान से मार दिया, इतना मासूम की तरह ये बैठी हुई ना, सब इन लोग भरपूर मात्रा में खाया है चिकन मार के, और मान के चले ना 400 ग्राम का एक मुर्गा है, तो लगभग 3-4 भी मारा होगा ना, तो 100-100 रुपये का एक बच्चा भी मान के चले, तो 400-500 रुपये का नुकसान इन लोग कर दिया है, देखे घूम रहा है और पकड़ता है, अभी तो इनका पेट भर गया, आपको दिखलाते हैं, हम देखे थे उस टाइम मुंह से छीन रहे थे ना, तो छीनने नहीं दे रहा था, वापस धर ले रहा था, इतना हैवी धर रहा था, यही होता है दोस्तों थोड़ा सा गड़बड़ा जाने पर, देखें 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 कैसे पकड़ रहा है, देखें देखें और छोड़ता नहीं है, देखें कितना भयानक तरीके से धर रहा है, देखें भाई सिर्फ 50 दिन के बच्चे हैं और इतना खतरनाक है, तैयार होंगे ना मेरे को लग रहा है, देखें 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 छोड़ना नहीं चाहता, ये देखें भाई, और इनका पेट कोहड़ा की तरफ भर गया है, फिर भी और चाहिए दोस्तों, ये बस देखने को दोनों बच्चे हैं, वो सबसे बदमाश ये है जो ये ब्लैक वाला जर्मन शेफर्ड है ना, सबसे बदमाश है, हरामी इतना है ना दोस्तों, टप दपर मुर्गी खा जाता है, मेरे को एक दो बार और डाउट हुआ था, लेकिन आज कंफर्म हो गए कि इन लोग बहुत बच्चा खाया होगा, मेरे को लग रहा है, क्योंकि बहुत रूम में पंख फैला रहता था थोड़ा थोड़ा, मेरे को लगता था कि ऐसे ही मुर्गी उर्गी आई होगी तो भागी होगी तो पंख गिर गया होगा, लेकिन अब पता चल रहा है, ले ले भाई, सोच सकते हैं भयानक तरीके से खा गया है। फार्म के अंदर देखें पूरा आग लहरा दिए दोस्तों, सारी बकरी को अब ठंड से, ठंड नहीं लगेगा दोस्तों ठंड के दिनों में, और हम लकड़ी स्टॉक करते हैं दोस्तों गर्मी के टाइम में, अगर ठंड में काम दे, अभी हम मेरे पास ऐसा लकड़ी बहुत दिन है दोस्तों, 10-15 दिन भी अगर इतना आग लहराएंगे ना फिर भी मेरे पास चलेगा, और लहराते कब है दोस्तों हम, जब ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब जाके हम लहराते हैं, स्टार्टिंग ठंड में नहीं लहराते हैं दोस्तों, जब ठंड बहुत ज़्यादा गिरना स्टार्ट कर देता है, कोई हेसा करना स्टार्ट कर देता है, अब आग लहराते हैं, और देखिए सारी बकरी आराम से खड़ा हो जाएगी यहीं पे आसपास, और पूरा फार्म का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा दोस्तों, और इससे मुर्गी भी जो है, मुर्गी का भी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा और फार्म का भी टेम्परेचर पूरा नॉर्मल हो जाएगा,
देखिए कितना भयानक तरीके से आग लहर रहा है दोस्तों। सारी बकरी यहीं पे आराम से बैठेगी। दोस्तों आप भी कम से कम ये चीज जरूर करें दोस्तों, ठंड के दिनों में आपके पास अगर लकड़ी का सुविधा है तो आग फार्म में जरूर लगाएं दोस्तों, ताकि बकरी को आराम से गर्माहट बना रहे, सारी बकरी स्वस्थ और हेल्दी रहे, सर्दी खांसी ना लगे। सर्दी खांसी मेरी बकरी को हो गया है तो इसकी वजह से हम इनको लहरा रहे हैं, ताकि सारी बकरी को जीव सर्दी खांसी, इनका टेम्परेचर नॉर्मल आ जाए, जो थोड़ा बहुत असर हुआ है। और देखिए दोस्तों जुगाड़ हम सब चीज़ रखते हैं अपने फार्म पे, लेकिन जैसे जैसे जिस चीज़ का यूज आता है उस टाइप से हम उसको यूज़ करते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं कि ठंडा स्टार्टिंग आया और सारा लकड़ी लहरा दिए और जब कसके ठंडा गिरा तब लहराने के लिए कुछ नहीं बचा है, इसलिए स्टार्टिंग ठंडा में नहीं लहराते हैं, जब कसके ठंडा गिरता है तब आग लहराते हैं दोस्तों, ताकि बकरी आराम से सब सर्वाइव कर जाए, कोई दिक्कत ना आए। आराम से मेरी बकरी ठंडा काट चुकी है दोस्तों, एक भी मोडलिटी नहीं है। अब बहुत बकरी को सर्दी खांसी हुआ है वो भी चीज़ हम अपने वीडियो में दिखला देते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि कुछ भी चीज़ हम छुपाते हैं अपने वीडियो में, सारा चीज़ हम हकीकत दिखाते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि सर्दी खांसी हम नहीं दिखलाते हैं, सब चीज़ दिखलाते हैं। बकरी आराम से बैठने के लिए इनका दिया हुआ है, सारी बकरी देखें वहाँ से लाइन से इधर खड़ी हुई है और आराम से यहाँ पे आग लहरेगा, और बकरी जिनको ज़्यादा ठंड लगेगा वो आराम से आके यहाँ पे खड़ा होंगे और इनका मतलब जो भी ठंड लगेगा वो गर्माहट इनका शरीर में आ जाएगा, सारी बकरी स्वस्थ हो जाएगी, जो भी सर्दी खांसी थोड़ा बहुत हुआ है। आराम से इनको अब छोड़ देते हैं दोस्तों, और मुर्गी भी सब ठीक ही है। और अभी फिलहाल में दोस्तों काम है डॉग के लिए चिकन लेकर आना, थोड़ा सा आज ज़्यादा चिकन नहीं लेकर आएंगे दोस्तों, कि जो छोटे बच्चे उन लोग भी चिकन मार के खा गया है देसी मुर्गी मेरे फार्म का, तो ज़्यादा चिकन नहीं लेकर आएंगे। जो बड़ी वाली मुर्गी है उसके लिए थोड़ा सा चिकन लेकर आएंगे, या फिर नहीं भी ला सकते हैं, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। एक चिकन अभी मेरे पास है जो मार दी है जान से वो मर गई है, तो 400 ग्राम का है, 300 ग्राम के लमसम उसमें से चिकन निकलेगा, मीट उनको दे देंगे खाने के लिए, हो जाएगा। फिलहाल में अभी ये वाला वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे दोस्तों। आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करते रहें दोस्तों, और शेयर करते रहें, जो भी आपके कॉन्टैक्ट में भाई फार्मिंग कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करें, कि वो भी देख सकें और कुछ सीख सकें एक साथ कैसे इतना चीज़ हैंडल किया जाता है दोस्तों। तो प्लीज़ अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के साथ ये वाला वीडियो को शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। आपसे मिलते हैं दोस्तों कल, आपको ये वाला वीडियो कैसा लगे प्लीज़ कमेंट में बताना। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, राम राम।